आम आदमी के दम पर खड़ी ये दीवार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच खड़ी हो गई है और इस दीवार ने अभी से दोनों को दर्द देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये फिक्र खाई जा रही है कि 2014 के चुनाव में केजरीवाल दिल्ली से बाहर निकल गए तो उनके नेताओं के करिश्मे का होगा क्या। ये सब आम लोग हैं और इन देश के नेताओं को गरूर हो गया था कि ये इस देश को लूटते रहेंगे। इन देश के नेताओं को ये नहीं पता था जिस दिन ये आम आदमी खड़ा हो गया बड़े बड़े सिंहासन डोल जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी केजरीवाल की यह हुंकार, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की महत्वाकांक्षाओं की सीधी लड़ाई के बीच सबसे ऊंची दीवार बनने वाली। दिल्ली में कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकने वाले केजरीवाल को न नरेंद्र मोदी हल्के में लेने का हौसला जुटा सकते हैं, न राहुल सस्ते में लेने का जोखिम। दिल्ली के नतीजों के बाद तो केजरीवाल की भाषा और तल्ख हो गई। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने दिल्ली में किया है क्या वो देश को बताना चाहेंगे कि अगर उनको पूर्ण बहुमत सेंटर में नहीं मिला या किसी और राज्य में नहीं मिला तो वो वहां पे सरकार बनाने के लिए मना कर देंगे। सब जानते हैं कि ये सवाल न हर्षवर्धन के लिए है और न राजनाथ सिंह के लिए, ये सवाल सीधे नरेंद्र मोदी के लिए था। केजरीवाल का आत्मविश्वास आसमान पर है और मोदी का पाताल में। हालत यह है कि बाल की खाल निकालने वाले मोदी 12 दिन से खामोश हैं। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, दोनों की एक ही आइडियोलॉजी है, दोनों भ्रष्टाचार करती हैं, दोनों दंगे कराती हैं, दोनों सांप्रदायिकता करती हैं। हम इन दोनों पार्टियों से कहते हैं कि आप दोनों पार्टियां मिलकर अब सरकार बनाइए दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। राहुल गांधी तो पहले ही मान चुके हैं कि उनकी 127 साल पुरानी पार्टी को 125 साल पुरानी आम आदमी पार्टी से पाठ पढ़ना चाहिए। अब मोदी केजरीवाल के आगे चुप है और राहुल गांधी चमत्कृत, तो समझना मुश्किल नहीं है कि राष्ट्रीय राजनीति में दोनों के बीच केजरीवाल की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। कुछ पार्टियों को भ्रम हो गया था, कुछ नेताओं को भ्रम हो गया था कि वो इस देश को लूटते रहेंगे और हम इन नेताओं के सामने, इन पार्टियों के सामने बहुत बेबस महसूस हो रहे थे। ये चुनाव आप लोगों ने लड़ा। ये आरोप बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर था, पर कांग्रेस ने खामोश रहने में कल्याण समझा, लेकिन बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी को केजरीवाल आम और अमरूद नजर आ रहे हैं। में आम पार्टी अमरूद पार्टी पैदा हुई और वो कहती है जी हम मोदी को रोकेंगे, भाजपा को रोकेंगे, मोदी के सुशासन रथ के लिए हम स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं। तो भैया, आप ये भाजपा के सुशासन रथ या मोदी के सुशासन रथ पर को रोकने के स्पीड ब्रेकर के मल्टीनेशनल ठेकेदार हो गए हैं क्या। इस विनम्रता को भावनाओं के शब्दकोश में बौखलाहट कहते हैं, लेकिन राजनीति में अब ऐसी विनम्रता के खोजी खोजने नहीं पड़ते। पता नहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा का अंतिम चुनाव कब लड़ा था और कब जीता था, लेकिन शीला दीक्षित को हराकर 28 सीट दिलाने वाले केजरीवाल आम और अमरूद हो गए। मुश्किल ये है कि फलों का ये बागीचा बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक साथ बेचैन किए हुए। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। आज जंतर मंतर पर जिस तरह से लोग एक साथ जुटे थे, ये संदेश साफ था कि अभी लक्ष्य अधूरा ही रहा है, अभी तो 2014 पर ही चढ़ाई करनी है और लड़ाई अभी बाकी है। और इसीलिए शायद जिस तरह से ये पार्टी आगे बढ़ रही है उसके संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। चार राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने कहा था कि वो हार के कारणों का पता लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस है कि नेहरू गांधी परिवार की जय जयकार से उसे फुर्सत नहीं मिलती। किसी को सोनिया से उम्मीद है तो किसी को लगता है कि सोनिया सिर्फ राहुल गांधी की नहीं बल्कि पूरे देश की मां है। ये कहानी मेरी मां के बारे में है। मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं देख रहा था कि मां ठीक है या नहीं। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव में उम्मीद तो राहुल गांधी से बांध रखी थी, लेकिन राहुल की उम्मीदें अपनी मां पर अटक गई थी। अच्छा हुआ तो मां, सरकार ने देश का भला किया तो मां, देश में तरक्की की कोई निशानी दिख रही है तो माँ, मगर अफसोस ऐसी मातृशक्ति भी बेकार चली गई। कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, लेकिन माँ का राग अब भी गाया जा रहा है दूसरी जुबान से। आपको लगता है कि
क्या राहुल ही एकमात्र विकल्प है कांग्रेस में, और भी कोई नेता प्राइम मिनिस्टर का दावेदार हो सकता है? हाँ, उनकी माँ हो सकती, और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी की एकता का मूल कारण ये एक परिवार है। हम चाहते हैं, आप चाहें या नहीं, इस देश में माँ और मातृभूमि को स्वर्ग से भी बड़ा माना गया है, लिहाजा माँ के बखान पर किसको ऐतराज हो सकता है। खुद राहुल को भी इसी साल जनवरी में जब पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था तो उनके जज्बात भी माँ की समझाइश तक सिमटे हुए थे। My mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it. लेकिन चाटुकारिता का जहर इस कदर भर गया है कि एक माँ का विस्तार रातों रात देशव्यापी हो गया। जिस माँ ने राहुल को बताया था कि बेटा सत्ता तो जहर होती है, जिस माँ में मणिशंकर अय्यर को 2014 में कांग्रेस की आखिरी उम्मीद दिखती है, उसी माँ को कांग्रेस के एक और नेता और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पूरे देश की माँ बना दिया। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। हमारे पास है ना माँ, वो हमारी नेता हैं, वो इस देश की माँ है। राहुल जी की नहीं है, सिर्फ देश की माँ है, लेकिन निर्णय तो माँ का ही होगा ना। कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। भारतीय राजनीति के रंगमंच पर चापलूसी का इससे बड़ा डायलॉग भला और क्या हो सकता था। 38 साल बाद भी कांग्रेस के पास वैसे बरुआओं की कमी नहीं है, शायद इसीलिए 4 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस को जीत की उम्मीद बंधी है तो सोनिया से, और इसका उदाहरण मिलता है तो इंदिरा गांधी से। ये बताइए कि जिस देश में इंदिरा जी चुनाव हारी, कांग्रेस पार्टी के लीडर होते हुए एक चुनाव हारी, और 18 महीने बाद फिर वो इतनी बड़ी उनको जीत प्राप्त हुई, तो क्या ये कहा जाएगा कि हम 18 महीने से पहले ग्रास रूट से जुड़े नहीं थे, उसके बाद एकदम से जुड़ गए? ऐसा नहीं है, हम जुड़े रहते हैं, लेकिन ये व्यवस्था है लोकतंत्र की कि कभी लोग विकल्प ढूंढते हैं, कभी आपको समर्थन देते हैं, कभी आपका विरोध करते हैं। मतलब वो विकल्प है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो मणिशंकर जी कह रहे हैं? माननीय सोनिया जी का जो निर्णय है वही निर्णय विकल्प है, जब निर्णय आएगा आपको पता चलेगा। अपनी नेता की जय जयकार में किसी भी पार्टी के दूसरे नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन सलमान खुर्शीद ने सोनिया गांधी को देश की माँ क्या बताया, योग गुरु रामदेव को सोनिया पर निशाना साधने का मौका मिल गया। विदेशी माँ है, और देश में यदि कांग्रेस की सभी लोग, बड़े बुजुर्ग भी उनको यदि माँ की तरह सम्मान देते हैं, तो हम भी आदरणीय सोनिया माता जी को माता जी कह के बोल लेंगे, हम तो बाबा जी हैं। लेकिन सारे देश की माँ होने के लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। भारत माता की। आम आदमी पार्टी की हुंकार ने दिल्ली के बहाने देश की राजनीति में एक नई दस्तक दी है, वो दस्तक कांग्रेस के दरवाजे पर भी सुनाई दे रही है। वंदे। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। इधर बीजेपी गदगद है कि 3 राज्यों में उसकी सरकार बन गई और दिल्ली में वो सरकार बनाने के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन कांग्रेस तो 4 राज्यों में कहीं की नहीं रही। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव से एन पहले कांग्रेस की सारी उम्मीदें सोनिया गांधी पर ही टिकी हैं। भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। इस जनसैलाब के शोर ने उन लोगों की नींद उड़ा रखी है जिन्हें 5 राज्यों से आगे 2014 की चिंता सता रही है। आम आदमी के शोर में ये सवाल उठ रहा है कि 2014 में किसका होगा बेड़ा पार और किसको घर बिठा देगा आम आदमी। बीजेपी को मोदी पर भरोसा है तो कांग्रेस में उम्मीद की पहली और आखिरी किरण सोनिया गांधी नजर आ रही है। ये भरोसा मनमोहन सिंह पर नहीं है। सन 2004 में हम सब गए, हमने कहा कि सोनिया जी हमारी हैं, और फिर दिल्ली लौटा, जीत कर आया मैं,
और 2 लाख वोट की मेजोरिटी के साथ मैं पहुंचता हूं। बताया जाता है कि एक व्यक्ति जो कौन जिन्होंने की तब भी नहीं लड़ा और आज भी नहीं लड़े, वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस दिन दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को करारी हार मिली, उसी दिन सोनिया गांधी ने यह भी साफ कर दिया था कि सही वक्त पर वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगी। पार्टी हैज टू डिसाइड, द पार्टी विल डिसाइड एट द ऑपर्टून टाइम, द पार्टी विल डिसाइड। दरअसल हार के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सोनिया गांधी का राहुल पर अविश्वास साफ नजर आया। इस बैठक में राहुल गांधी के सामने रहने वाली माइक सोनिया गांधी के सामने लगी हुई थी। जयपुर चिंतन शिविर के बाद यह पहली बार हुआ था। समझने वालों ने समझ लिया है कि बाहर राहुल चाहे जितना बोले, लेकिन अंदर अब सोनिया ही बोलेंगी। कांग्रेस के अंदर की खबर रखने वाले बताते हैं कि राहुल गांधी को कोई और माने ना माने, लेकिन उनकी मां मान चुकी हैं कि बेटा अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं हुआ है। आपराधिक छवि के लोगों को टिकट न देने पर राहुल फंसे हैं। दूसरी पार्टी से आए लोगों को 5 साल बाद टिकट देने पर राहुल फंसे हैं। वर्तमान सांसदों और मंत्रियों के रिश्तेदारों को टिकट न देने के फैसले पर राहुल फंसे हैं। 2 बार से ज्यादा हारने वालों को टिकट न देने पर भी राहुल फंसे हैं। राहुल देखते रह गए और चारों राज्यों में इन नियमों की जमकर धज्जी उड़ी। ऐसे में सोनिया गांधी को लगा कि अगर वो अब भी पीछे बैठी रहीं तो पार्टी इतनी पीछे चली जाएगी कि आगे आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हारे राज्यों के प्रभारियों और पर्यवेक्षकों से खुद रिपोर्ट ली और फिर राहुल से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाने को कहा। इस कमेटी में अभी भी सोनिया के भरोसेमंद ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच सलमान खुर्शीद ने सोनिया को पूरे देश की माँ क्या बताया, विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिल गया। देखिए, भावनात्मक स्तर पर सलमान खुर्शीद जी जो चाहे कह सकते हैं, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, परंतु देश को एक ईमानदार और सक्षम प्रधानमंत्री और सरकार की ज़रूरत है। और माँ और बेटों को रिश्तों से ना देश चलते हैं ना सरकार चलती है। कांग्रेस में कामराज जी ने भी एक बार कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो कांग्रेस में चाटुकारों की कमी नहीं है। दरअसल कांग्रेस भी जानती है कि सरकार और संगठन के बीच खाई, गुटबाजी, महंगाई और केंद्र सरकार की नाकामी के बीच उसके पास सोनिया के सिवा और कोई नहीं है। अब इसे नेतृत्व के प्रति निष्ठा कहें या चाटुकारिता की हद, हार के बाद जीत का नक्शा तैयार करने की बजाय कांग्रेस में आलाकमान की जय जयकार की होड़ सी मच गई है। लेकिन सवाल यह है कि 2014 में पार्टी करेगी क्या। अशोक सिंघल और कैमरामैन संजीव कुमार के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। 11 दिन पहले तक पूरे देश में मोदी की आवाज गूंज रही थी, केजरीवाल गलियों में घूम रहे थे। उस वक्त अगर किसी ने कहा होता कि मोदी के लिए केजरीवाल खतरा बन सकते हैं तो शायद ही किसी ने यकीन किया होता। लेकिन आज ये हकीकत बनती जा रही है। कहावत है, राजनीति में 1 हफ्ता भी बहुत लंबा अरसा है, फिर आम चुनावों में तो अभी करीब 5 महीने का वक्त बाकी है। क्या दिल्ली के बाद पूरे देश में आपका दिखेगा असर? अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, दिल्ली से तमिलनाडु तक जाना है। अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, दिल्ली विधानसभा में जाएगी, लोकसभा में जाएगी। इन बयानों ने 2014 के लोकसभा चुनाव के पूरे समीकरण को ही मानो हिला दिया है। इस हौसले की वजह से ही बीजेपी को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, कभी गडकरी के घर, कभी राजनाथ सिंह के घर। कल रात भी मीटिंग हुई, मोदी भी आए, लेकिन पिछले 11 दिन की तरह कुछ बोले नहीं। अभी मोदी जी इस बार बड़े खामोश हैं, क्या मोदी जी डर गए हैं केजरीवाल जो आगे बढ़ा उससे? देखिए, उन्होंने जो काम करना था भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में, उन्होंने वो किया है और लोगों ने उनके नेतृत्व को सराहा है। वो कहते हैं कि मोदी 3 जब से जीत मिली है तब से खामोश बहुत ज्यादा है, क्या मोदी जी डर गए क्या दिल्ली में जो ड्रॉ हो गया इससे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने काम में लगे, मिशन में लगे। आखिर इतने दिन की थकान भी थी, 2 दिन उनको रेस्ट भी करना था। थकान तो केजरीवाल को भी होगी, केजरीवाल ने तो प्रचार में पैदल गली गली की खाक छानी है। लेकिन जीत के बाद वो गरज रहे हैं, जबकि 3 राज्यों में सरकार बनने के बाद भी मोदी चुप है। शायद मोदी को मालूम है कि अब तक जिन हथियारों से वो कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, वो सारे हथियार अरविंद केजरीवाल के पास भी हैं। अगर मोदी को इंटरनेट पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आता है तो केजरीवाल भी इस खेल के माहिर हैं। फेसबुक हो या ट्विटर, आम आदमी पार्टी इस मोर्चे पर पूरी तरह सक्रिय है।
मोदी युवा युवा की रट लगाते रहे हैं, वहीं केजरीवाल की ताकत भी युवा है। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता और नेता युवा ही हैं, इसीलिए युवाओं के बीच उनका समर्थन बढ़ा है। मोदी बड़ी बड़ी रैलियों के जरिए जनता तक पहुंचते हैं, हाईटेक मंच बनवाते हैं, तो वहीं केजरीवाल कोई रैली नहीं करते, बल्कि गली गली जाकर जनता से जुड़ते हैं। कोई सभा नहीं होती, सीधे घर तक जाकर प्रचार होता है, और इसी प्रचार का नतीजा दिल्ली में आपकी शानदार जीत है। मोदी के प्रचार का बजट करोड़ों रुपए का होता है, लेकिन केजरीवाल का बजट कुछ लाख रुपए का होता है। इसीलिए केजरीवाल का चुनाव प्रचार का फॉर्मूला पैसों के लिहाज से सरल है। और रही बात काडर की, तो दिल्ली चुनावों के नतीजे के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी का सदस्य बनने वालों की होड़ लग चुकी है। ऐसे में कहीं केजरीवाल का लोकसभा चुनाव में कूदना मोदी के लिए कांग्रेस से भी बड़ी चुनौती ना बन जाए। हर बात पर अपनी पीठ थपथपाने वाले मोदी इतनी शानदार जीत के बाद भी चुप हैं। शायद वो इस सवाल का जवाब खोज रहे होंगे कि दिल्ली में इतना पसीना बहाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उनका विजय रथ कैसे रोक दिया। और देश की चुनौती तो भी बहुत बड़ी है, और उन्हें पता है कि देश भर में केजरीवाल जैसे सियासी दुश्मनों की संख्या कम नहीं है। कैमरामैन संजीव के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।